व्यू देख लो यार, कमाल की है ये पेंगोंग लेक। इसी के पीछे झगड़ा चल रहा है अभी चाइना के साथ। ये देख लो, ये देखो, बहुत ही प्यारा व्यू है। चलो थोड़ा फोटोग्राफी करता हूँ, फिर उसके बाद वापस चलते हैं। तो गाइस, हमने पेंगोंग लेक को एक्सप्लोर कर लिया है, लेकिन ये अधूरा सा लग रहा है, क्योंकि इसके साथ साथ चुशुल पहुँच जाए तो यार सोने पे सुहागा हो जाता है यार। बहुत ही खूबसूरत है पेंगोंग लेक, और बीच में तो ऐसे व्यू आते हैं ना, फ़ोटोग्राफी करने में बहुत मज़ा आता है यार। वो पता नहीं कब ये परमिट खोलेंगे, मैं तो दोबारा जरूर आऊँगा नेक्स्ट टाइम चुशुल के लिए, चुशुल और हनले के लिए। तो नेक्स्ट जो प्रोग्राम है, अभी हम करेंगे कहीं लंच, या तो आगे थिक्से में, या फिर यहाँ पे आप देख बात करते हैं। थिक्से में मुझे 1 घंटा राइड करके हम थिक्से में जाते हैं, वहाँ फिर करेंगे लंच, और फिर जाएंगे लेह में करेंगे स्टे और शॉपिंग, थोड़ी बहुत शॉपिंग, इतनी नहीं, वो झंडे झुंडे लेने हैं यार हमने, प्रे फ्लैग्स वो लेके फिर सीधा निकलेंगे कल श्रीनगर को। बड़ा ब्यूटीफुल व्यू ऑफ पेंगोंग लेक, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है ऊपर से, शानदार। स्कॉर्पियो लेक के अंदर उतार दिया भाई ने, बड़ी गलत बात है यार। एक और भाई लेके आ रहा है, ये दोनों लेक में उतारेंगे अपनी गाड़ी। अभी हम हैं थिक्से और हिमालय रेस्टोरेंट, यहाँ पे अभी हमने किया है लंच। मैंने खाए हैं राजमा चावल और अमित भाई ने भी राजमा चावल, तो खा पी के हो गए रेडी। हमने अपना अभी रेन कोट निकाल लिया है, क्योंकि सामने देखिए मौसम बहुत ही ख़राब हो चुका है, बादल हो रहे हैं और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। और चांगला में बुरा मिलेगा, या तो स्नोफॉल मिलने के चांसेस पूरे पूरे हो रहे हैं। बस अब निकलते हैं, फ्यूल मैंने डाल लिया है, जो कैन में था हमारा 1 लीटर बचा लिया है, तो 3.5 लीटर डाल लिया है। तो देखते हैं, अभी 100 किलोमीटर 115-120 किलोमीटर और जाना हमने, तो पहुंच ही जाएंगे लगभग। ठीक है, तो बने रहना हमारे साथ। हिमालय रेस्टोरेंट पे हमने खाए हैं छोले, राजमा चावल और कॉफ़ी पी है। तो अब हम चल पड़े हैं, अब ये एंट्री करानी पड़ेगी पहले पुलिस पोस्ट पे। एक्सक्यूज मी, 32 नंबर। बस इतना ही काम था, जाओ जाओ। तो अभी नेक्स्ट हम जाएंगे दुर्बुक, वहाँ पे अमित भाई के लिए पेट्रोल लेंगे ब्लैक में, फिर आगे चलेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं चांगला की तरफ, ये पहाड़ पूरा चढ़ गए, ऊपर सबसे टॉप पे पहुँचेंगे और उसके बाद नीचे उतरेंगे लेह की तरफ। तो दुर्बुक से 2 रास्ते कट जाते हैं, एक तो पेंगोंग को चला जाता है रास्ता, एक चला जाता है अपना हुंदर को, नुब्रा वैली, और तीसरा रास्ता है लेह को। 3 रास्ते कटते हैं यहाँ से। नेवर गिव अप। 3:36 हो गए हैं और हमने अभी भी 90 किलोमीटर से ऊपर डिस्टेंस कवर करना है लेह के लिए। और कारू यहाँ से होगा 70 किलोमीटर जहाँ पेट्रोल पंप है, तो कारू में हमें पेट्रोल पंप मिलेगा। उससे पहले चांगला बाबा के दर्शन होंगे। चांगला जो सेकंड हाईएस्ट पास है उसको हम क्रॉस करेंगे। singing. अरे यार ट्रकों के बाद जगह ही नहीं देते बिल्कुल। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे ही ठंड बढ़ती जा रही है और एकदम ट्रक आ जाते हैं, स्पेस है नहीं। भाई साहब मौज हो रही है। ऊपर देखो मौसम कैसा ख़राब हो रहा है। ऊपर स्नोफॉल के 100% चांस है। जिस हिसाब से बादल छाए हुए हैं ना, हमने ऊपर टॉप पे जाना है चांगला पास पे, तो वहाँ पे स्नोफॉल होने के चांसेस हैं। देखते हैं क्या होता है। बारिश शुरू हो चुकी है और ऊपर मुझे लग रहा है स्नोफॉल होगी, तो मैं कैमरा बंद करके रख रहा हूँ, पैक करके रख रहा हूँ और मैं विंड शटर पहन रहा हूँ साथ में, ताकि से तो बचूँ। बूंदाबांदी शुरू हो गई है बहुत तेज़। तो ऊपर चांगला पास में अगर बरसात बंद हो जाती है फिर मैं कैमरा ऑन करूँगा। ओ गाइस देखिए स्नोफॉल चांगला पास में बहुत ही तेज़ स्नोफॉल मिली है और हम अभी वेट कर रहे हैं थोड़ा कम हो जाए स्नोफॉल फिर निकलेंगे। अभी हमें आधा घंटा हो गया स्नोफॉल में। बाइक चला रहे थे, हाथ पूरे जाम हो गए थे। पीछे देखिए बाइक, ये रही हमारी बाइक। बहुत बुरा हाल है, अंदर जाना पड़ेगा। हाथ बिल्कुल सोन पड़ गए। चार 4:40 हो गए और हम हैं चांगला पास पे। और चांगला पास पे देखिए, मैंने कहा था आपको स्नोफॉल हो रही है, बड़ी तगड़ी स्नोफॉल हो रही है। ये देखिए हमारी बाइक पूरी वाइट हो गई है। वो है चांगला पास का बोर्ड और पूरा सफ़ेद सफ़ेद हो रहा है। ये देखिए, और अब बाइक चलाने बड़ी ऐसी तैसी होएगी। हाथ एकदम जम गए थे। किसी तरह ऊपर पहुँचे हैं और सीधा अंदर रेस्टोरेंट में घुसे हैं और चाय पी है बस। और भाई कहाँ से आए हैं आप? एमपी से आए हैं, बहुत बढ़िया। क्या नाम है? बिट्टू भाई आए हैं एमपी से। बर्फ़ के मज़े ले रहे हैं। ये देखो पूरा, ये हमारी बाइक खड़ी है सामने और ये हमारे अमित यादव जी भी आ गए हैं। ले ले मजे। हाथ है या खत्म हो गए? हाथ है, खत्म हो गए। एक तो रोड, ऊपर से मौसम। हाँ जी, हाँ मैंने कहा था ना रुक जाओ आज। थोड़ा वेट करेंगे फिर चलेंगे। हैं आधे घंटे से ऊपर हो गया और देखो, ये देखो स्नोफॉल। सारी बाइकें पूरी बर्फ़ों में दब गई हैं अपनी। ये बाइक देखो और रास्ता देखो, ये सफ़ेद चादर फैल चुकी है पूरी। और ये नीचे डाउन जाना है हमने। ये देखो, ये अब स्लिप होने का चांस ज़्यादा है। अभी भी 70-80 किलोमीटर नीचे जाना है और 10 किलोमीटर हम नीचे उतर आए हैं। और व्यू देखो यार पीछे, बहुत ही खूबसूरत व्यू है यार, बहुत ही शानदार व्यू। तो ये मेरी बाइक पड़ी है। तो ऊपर तो स्नोफॉल ने ऐसी तैसी कर दी है, पैर पूरे जम गए, हाथ पूरे सुन पड़ गए थे और बड़ी मुश्किल से 10 किलोमीटर तक नीचे आए और यहाँ गायब। बारिश हो के जा चुकी है लेकिन अभी देखो, मैं बर्फ़ दिखाता हूँ। मेरी बाइक पे बर्फ़ देखना, ये देखो, ये देखो। ग्लव्स चेंज कर लिए मैंने। चलते हैं यार, धूप भी निकल आई है, सूर्य देवता ना हो तो बंदा मर ही जाए। और व्यू यार बहुत ही, नीचे ग्रीनरी बहुत है यार। और उस रोड पे जाना है, ये सामने वाली। क्या यार, और कारू पे अभी पेट्रोल पंप आएगा तो वहाँ पे पेट्रोल भी डलवाना है। क्या रोड बार बार खराब हो जाती है। साढ़े पौने सात हो गए, 6:43। इस समय हम पहुंच जाते हैं अगर स्नोफॉल ना होती तो चांगला में। भाई का लग रहा पेट्रोल खत्म हो गया। क्या पेट्रोल खत्म हो गया? अरे नहीं, अभी मेरे भी सर 2 पॉइंट रह गए। कारू में मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, नीचे डाउन तक ले जाओ ना, डाउन तक नीचे ऐसे ही ले जाओ। हमने वहाँ से ब्लैक में लिया था उधर। हाँ ओके, यही दिक्कत होती है जो एक्स्ट्रा फ्यूल नहीं लेके जाते हैं। हम तो लेके गए थे इसलिए बच गए, लेकिन 2 लीटर फिर भी हमने एक्स्ट्रा फ्यूल लिया था और 15 रुपये एक्स्ट्रा मिला था हमें, मतलब 120 रुपये आई थिंक मिला, 120-22 रुपये का। अब थोड़ी राहत मिली है, हाथ नहीं तो सुन पड़ गए थे और पैर भी सुन पड़ गए थे। पैर तो अभी सुन हो रहे हैं लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा ठीक। नीचे जाते जाएंगे और गर्मी भी शरीर में आती जाएगी। गर्मी भी बहुत ज़रूरी है भाई, ज़्यादा गर्मी ज़्यादा सर्दी दोनों ही नुकसानदायक है, ये पता चल गया। मज़ा आ रहा है यार बाइक चलाने में, डबल रोड आ गया है, लेकिन 10-12 किलोमीटर तक तो हालत ख़राब हो गई थी। अरे ठंड, अभी भी ठंड लग रही है, जाते ही कंबल मिल जाए बस, बसर के सो जाएं बस, खाना भी ना मिले चाहे, इतनी ठंड लग रही है। क्यों पैंट पूरी गिली है और ग्लव्स तो मैंने चल चेंज कर लिए। पैर में भी अभी भी ठंड लग रही है डबल जुराब के बावजूद। ओहो, पानी जब से हमने स्टार्ट किया है जर्नी, पानी हमारा पीछे नहीं छोड़ रहा, डेली भिगो देता है। आज तो एक्सट्रीम राइड होगी, एक्सट्रीम। चांगला बाबा ने तो बर्फ कर दी है हमारी। वी आर रीच्ड एट कारू, कारू पहुंच गए हैं। और ये देखिए 2 रास्ते स्ट्रेट जाएंगे तो ले, और लेफ़्ट को जा रहा है अपना मनाली। मनाली और सीधा जाएंगे तो अपना लामायूरू, नहीं चुमातांग। चुमातांग काफ़ी बारिश हुई है यार, पूरा पानी पानी भरा हुआ है। बाप रे, पूरा पानी पानी है। बड़ी खतरनाक बारिश हुई है यहाँ, ऊपर बर्फबारी हुई है चांगला पे, और लेह में बारिश हुई है। सीधा पहुँचते हैं लेह, वहाँ पे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाएंगे और फिर रूम, विकास भाई ने अगर रूम बुक करा रखा होगा तो वहाँ जाएंगे, नहीं तो अपने पुराने में देखते हैं क्या करते हैं। एक बार पहुँचते तो हैं कारू का पेट्रोल पंप। भाई लोग आए हुए हैं। हाँ। तो लेह से भरवा लेंगे, 10-15 मिनट लगेंगे, क्या करना है यहाँ, लेह से भरवा लेंगे, इतना तो पेट्रोल होगा। 15-20 मिनट लग रहे हैं। मैं जाऊँ, मैं फिर होटल का देखता हूँ, फिर फ़ोन कर लियो। हैं हाँ, मैं विकास से बात करता हूँ। है? विकास भी आया हुआ ना साइकिल वाला, उससे पूछता हूँ मैं। उससे पूछ लो ना, जो लड़का कल रात को ऊपर बैठा होता मोटा, जो होता है उसका नेटवर्क नहीं मिलेगा। नहीं, याद ही नहीं है। लो जी दोस्तों, हम पहुंच गए हैं वापसी लेह में। लेह से चले थे और घूम फिर के वहीं वापस लेह में पहुंच गए हैं। ये देखिए शांति स्तूपा, बहुत ही प्यारा स्तूपा बना रखा है। तो भाई लोग, हम पहुंच चुके हैं अपने होटल में और लगभग 8:30 बजे पहुंच गए थे। और ये रूम है हमारा, ये देख लो। और अभी खाने का ऑर्डर दिया है, दाल चावल रोटी है, और कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि लेट हो चुके हैं हम। तो कल का ये सीन है कि कल हम निकलेंगे अपने घर को वाया श्रीनगर होके। तो सुबह आई थिंक 11 बजेंगे हमें निकलते निकलते, और उसके बाद देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। सोनमर्ग लगाने की कोशिश करेंगे, अभी तक तो यही प्लान है।